मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर ओन यूट्यूब चैनल MSTM एजुकेशन। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे। हम पढ़े थे कि एक बच्चा सबसे पहले साउंड से परिचय करता है। हम साउंड के बाद हमने देखा था कि साउंड के बाद वो अपने वोकल कार्ड के द्वारा वावेल साउंड, फिर अपने लिप, टीथ, टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा वो कंसोनेंट साउंड बोलना सीख जाता है। जैसे जैसे हम आगे गए तो हमने देखा कि लेटर के बाद लेटर से वर्ड बना, और वर्ड से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने सभी भागों के बारे में पढ़ा। उसमें से पहला हम लोग पढ़े नाउन, और आज हम नाउन के बारे में विस्तृत जानेंगे कि नाउन क्या है, हम नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ने का क्या कारण है कि हम नाउन क्यों पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन रीजन, बिकॉज वी आर मेकिंग अ सेंटेंस। हम एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाने के लिए हमें नाउन को पढ़ना बेहद ही जरूरी है। हम कह सकते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ है, वो सब चीज़ें नाउन है, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो नॉन विजिबल हो। कह सकते हैं कि जो विजिबल हो और वो अनविजिबल हो, वो दोनों चीज़ें क्या हैं, नाउन ही हैं। कह सकते हैं कि नाउन में एक आता है आपका विजिबल में पर्सन, दूसरा आता है प्लेस, तीसरी चीज आती है आपकी थिंग्स, और चौथी चीज आ जाएगी इसमें आपका एनिमल। तो पर्सन को भी हम देख सकते हैं, प्लेस को भी हम देख सकते हैं, थिंग्स को भी हम देख सकते हैं, और एनिमल्स को भी देख सकते हैं। ये सभी चीजें नाउन है। और इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे एयर, हो सकता है लव, पेन और इटीसी, जिसको हम देख नहीं सकते। ये अलग अलग चीजें हैं और ये सभी चीजें नाउन हैं। लेकिन जब हम इसको इसके आगे पढ़ेंगे कि ये सभी चीजें नाउन है, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी बन गई कि किसको हम कौन क्या कहेंगे। इसमें पर्सन भी नाउन ही है, प्लेस भी नाउन ही है, थिंग्स भी नाउन है, एनिमल्स भी नाउन है, अर्थात जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं वो भी नाउन, जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन। तो इसके आधार पे जब आगे बताया गया तो नाउन को ऐसे भी फिर कह सकते हैं कि इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया आपका काउंटेबल और दूसरा हो गया आपका अनकाउंटेबल, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको हम नहीं गिन सकते। और काउंटेबल में हम और तीन को पढ़े, और अनकाउंटेबल में हम दो को पढ़े। काउंटेबल में हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमने पढ़ा कॉमन नाउन, तीसरा हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, और इसमें अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, और पांचवा आपका इसमें एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, उस दिन हम एक छोटे बच्चे के बारे में समझ रहे थे कि वह छोटा बच्चा जो सबसे पहले साउंड से परिचय करता है, वही बालक लेटर से वर्ड बनाता है, अर्थात वह लेटर जानता है उसके बाद वर्ड। तो एक दिन क्या हुआ कि वह एक पशु को देखा, अर्थात एक एनिमल्स को देखता है, एक एनिमल को देखा। वह एनिमल के बारे में अनभिज्ञ था कि वह कौन सा जानवर है, मतलब वह चीज क्या है। वह अपने पापा से बोला पापा, मतलब वो जो छोटा बच्चा, वो अभी अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था। उसके पापा ने बताया कि वो क्या है, गोट, अर्थात वह बकरी है। कह सकते हैं वो क्या है, एक बकरी। तो उस बच्चे को पता चल गया कि यह बकरी है, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि यह प्राणी क्या है। जब वो उसके पापा बताए कि यह बकरी है, तो वो समझा कि हाँ
ये क्या है? बकरी है। हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं जिसका भी जन्म होता है वह नाउन होता है, लेकिन वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाम। किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ये नहीं कहता कि उसके घर मोहन पैदा हुआ, राम पैदा हुआ, अलका पैदा हुई, राधा पैदा हुई, कोई नहीं कहता। कोई भी कहता है कि उसके घर लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। कोई भी व्यक्ति यही कहता है कि उसके घर क्या पैदा हुआ, लड़का पैदा हुई, पैदा हुआ लड़की पैदा हुई। मतलब कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि उसके घर मोहन पैदा हुआ, राम पैदा हुआ, मतलब कोई भी। हम कह सकते हैं कि दुनिया की वह प्रत्येक चीज का जो जन्म लिया उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाम। तो ठीक उसी प्रकार ये जो बकरी है यह एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे, मतलब इसकी बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जीव होंगे। कोई लड़का है तो ये नहीं ना कि पूरी दुनिया में कोई एक ही लड़का है, मतलब कोई एक जीव जिससे पूरी जाति का बोध होता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाम। क्या बोलेंगे? कॉमन नाम। अब देखिए यही बकरी अगर अकेली है तो इसको हम कॉमन नाउन बोल रहे हैं, लेकिन यही अगर अपने झुंड में, अर्थात यह जो बकरी एक है इसमें सिंगल, और एक से अधिक हो जाए, पांच हो जाए, दस हो जाए, पंद्रह हो जाए, मतलब एक से अधिक, अर्थात बकरियों का झुंड, अर्थात एक बकरी क्या हो गई, उसके पास में बहुत सारी बकरियां इकट्ठा हो गई, हम कह सकते हैं कि ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, अर्थात बकरियों का झुंड। तो जब ये शब्द आ गया कि बकरियों का झुंड, जहां एक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए, चाहे एक से अधिक जानवर इकट्ठा हो गए, तो उसको हम बोलेंगे, उस झुंड को, वहां पे कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। इसके लिए भी अलग अलग है, ये नहीं कि अगर लड़कियों का झुंड होगा, लड़कियों का समूह होगा तो ये नहीं बोलते हैं फ्लॉक ऑफ गोट्स, उसके लिए अलग होता है बेबी ऑफ गर्ल्स, ये बेबी ऑफ गर्ल्स, अर्थात लड़कियों का झुंड, लड़कियों का समूह, ए कैटल ऑफ एनिमल्स। ठीक इसी प्रकार समझ लीजिए कि एक कुत्ता, कुत्ता भी क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन हम उसी कुत्ते को अगर अपने घर लाते हैं उसको पेट एनिमल बनाने के लिए, अर्थात उसको पालतू बनाने के लिए, जब वो हमारे घर आ जाता है तो उसको हम एक स्पष्ट कह सकते हैं कि एक उसको हम प्रॉपर नाम दे देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, और हम उस नाम से उसको बुलाते हैं। कुत्ते का नाम हमने रख दिया टॉमी। क्या रख दिया नाम हमने? टॉमी रख दिया। तो वह जो स्पेसिफिक नाम टॉमी है, तो उस टॉमी नाम के बोलने से वह कुत्ता जो आपने उसको पालतू बनाया है, केवल वही कुत्ता आपके पास आएगा, न कि आपके गली मोहल्ले के सारे कुत्ते आएंगे। अगर ऐसे ये नहीं ना बोलेंगे कि कुत्ते इधर आओ, क्या बोलेंगे? अगर आपने उसको पालतू बनाया है तो आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे, टॉमी, अलग अलग नाम रख दिए। तो ये जो टॉमी नाम है वो केवल उसी कुत्ते का नाम है। तो ये जो टॉमी नाम है ये प्रॉपर नाम हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाम। अर्थात देखिए सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? कॉमन नाउन की। ये नहीं है कि पहले प्रॉपर नाउन का जन्म हो गया, चाहे वो कलेक्टिव नाउन का जन्म हुआ। जन्म किसका हो रहा है? कॉमन नाउन का। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। उसी से हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। दुनिया में सारी चीजों का जन्म नहीं होता है, एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण होता है। हो सकता है कि वो मैन मेड थिंग्स हो। तो ये भी जो प्रॉपर नाउन है ये मैन मेड ही है, अर्थात कह सकते हैं ये मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया है, ना कि मतलब ये कह सकते हैं कि ये नहीं हम इसको कहेंगे कि ये नेचुरली है, नेचुरली तो ये ना आ रहा है कॉमन नाउन। और ठीक इसके बाद ये जो आपकी गोट है, अगर ये मर जाती है, चाहे इसको काट दिया जाता है, तो काटने के बाद चाहे मरने के बाद कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उस समय उसका नाम नहीं लेते लोग। क्या बोलते हैं? कोई मर गया व्यक्ति तो बोलते हैं अरे बॉडी को बाहर निकालो। ये नहीं कोई बोलता सुरेश को बाहर निकालो, महेश को बाहर निकालो, ये कोई नहीं बोलता।
इसी प्रकार जो ये बकरी है ये इसको अगर काट दिया जाता है तो इसका क्या बन जाता है, मटन बन जाता है। क्या बन जाता है, मटन। और कोई भी चीज जिसको खाया जाए पिया जाए तो वो चीज आपकी आती है मटेरियल नाउन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अभी हमने क्या पढ़ा, काउंटेबल जो नाउन होता है उसमें हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में हमने देखा मटेरियल नाउन। अर्थात हम उन सभी चीजों को जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। ठीक है। अब देखिए ये मटन अर्थात इस बकरी को काटने के बाद उसका मटन बन गया, और इसी मटन को हम अपने घर लाते। क्या किए, इसको घर लाए और एक किसी बर्तन में, ये आपको क्या है, एक पॉट है। क्या है, पॉट। और इस पॉट में मैंने मटन को रख दिया और इसमें स्पाइस डाल दिया और अन्य चीजें डाल के इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसको पकाना शुरू किया हमने तो इससे स्मेल आ रही है। क्या आ रही है, स्मेल। और वह चीज जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही उसको हम छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं के नाउन कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच ओनली कैन फील। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी चीज जिसको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं केवल उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो सभी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे इस मटन को मैंने पकाना शुरू किया तो इससे क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, तो ये स्मेल जो आपकी है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मैं देखूंगा अगले वीडियो में कि प्रॉपर नाउन के विस्तृत रूप। धन्यवाद।